एक्सरसाइज 15.1 में आपका कौन सा है, 18वां सम। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, ठीक है, एक पेटी है उसके अंदर 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, यानी कि डिस्कों की संख्या कितनी है, और डिस्कों कितनी है, 90 डिस्कों पर अंकित संख्याएं, कितनी है, 1 से 90, ठीक है। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने हैं, 90 हैं, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। उसके बाद में क्या किया है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर पहला पार्ट कैसा होना चाहिए, 2 अंकों की एक संख्या होनी चाहिए। तो जो चाहिए आपको उसको क्या करना पड़ेगा, माना घटना ई, क्या निकाली गई डिस्क पर, निकाली गई डिस्क पर क्या है, 2 अंकों की संख्या आने की घटना, तो 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 10 से, तो अनुकूल परिणाम आपके कौन से हैं, 10 11 12, हाँ कहां से, 10 से 90 तक के बीच में थोड़ी आएगा, 90 भी तो आएगा ना, 10 से 90 के बीच का बोल दिया तो आपने ना 10 गिना और ना 90 गिना, आपने कहा 10 से 90 तक, तो फिर 10 भी आया और क्या आया, 90 भी, ठीक। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, कितनी संख्याएं हैं ये 10 से 90 तक, यानी कि कुल कितनी थी, 90 थी, कुल कितनी थी, आपने कौन कौन सी नहीं गिनी, 1 से 9 तक नहीं गिनी, तो आप 90 में से वो 9 संख्याएं घटा दो तो कितनी बचेंगी, 81 बचेंगी, तो आपके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 81, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की प्रोबेबिलिटी, वही फार्मूला पहले बता देना उसे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, 81 बटे में कितना हो जाएगा, 90, कितना, 9 एकम 9 और 9 दाए 90, तो कितनी आ जाएगी, 9/10 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद में सेकंड पार्ट इसी में कर लेते हैं चेंज, माना घटना क्या मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, क्या चाहिए आपको, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती है, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 72, 81 आ गया ना, पहले हिंदी था फिर इंग्लिश पे आ गया, लोग तो पीने के बाद में इंग्लिश बोलते हैं, तू पढ़ता पढ़ता इंग्लिश बोलने लग जाता है। तो एक पूर्ण वर्ग का पूर्ण लिख लेना इसमें आगे, कि ये माना घटना एफ क्या है, कि निकाली गई डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की घटना, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम, पूर्ण वर्ग संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, जिसका वर्गमूल आ सकता है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आ सकता है, वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या। तो वर्गमूल किस किस का आता है, एक का आता है, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ठीक है, क्योंकि आपके पास कुल संख्याएं 1 से 90 तक ही है, तो पूर्ण वर्ग कौन से होते हैं, ये वो संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल सीधा आ जाता है, 1 का वर्गमूल 1 आता है, 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 आता है, 9 का वर्गमूल कितना आता है, 3। तो आपको ये संख्याएं अगर निकालनी है, पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, तो आप 1 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, ठीक है।
तो एक का स्केयर एक होता है, दो का स्केयर चार होता है, तीन का स्केयर नौ, चार का स्केयर सोलह, पच्चीस, छः का स्केयर छत्तीस, सात का स्केयर उनचास, आठ का स्केयर चौंसठ, नौ का स्केयर कितना, इक्यासी। तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और आगे ऐसी बहुत सारी आती जाएंगी, आएंगी ना आगे। लेकिन हमने इससे आगे ली क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, सिर्फ नब्बे तक ही है, ठीक है। वरना इससे आगे वाली संख्या कौन सी आनी चाहिए थी, सौ आनी चाहिए थी, क्यों, दस का स्केयर कितना होता है, सौ। तो अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास है कितनी, कितनी है, नौ। तो आपके पास फिर एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, नौ बटे में कितना, नब्बे, नौ बटे में कितना, तो कितना आ जाएगा, नौ एकम नौ, नौ दाए नब्बे। आ गया समझ में क्या ये, yes, थर्ड पार्ट क्या है, पांच से विभाज्य, यानी पांच से भाग होने वाली संख्या, कौन सा, पहले एन निकाल लेंगे ना, क्या निकाल लेंगे, एन, एन कौन सा एन, सर पहले लिख ए हमारा फाइव दे रखा है, पहली संख्या पांच, तो पांच से भाग होगी, और आखिरी नब्बे, पांच से भाग होगी, यानी कि ये लगा रहा है पांचवा चैप्टर, एपी लगा रहा है, ठीक है। लेकिन इतनी बड़ी है नहीं, तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं, कितनी आएंगी, अठारह आएंगी। तो क्या करनी है, पांच से विभाज्य संख्याएं, पांच से, यानी कि निकाली गई डिस्क पर पांच से विभाज्य संख्या आने की घटना, पूरा ऐसे लिखा जाएगा। तो अनुकूल परिणाम कौन से हैं, तो जो पांच के पाड़े में आते हैं वो आएंगे सारे के सारे, तो कितने होंगे, या तो आप लिखोगे पांच, दस, पंद्रह, इस तरीके से कहां तक जाओगे, अस्सी, पिचासी और कितना, नब्बे, ठीक है, ये बनेंगे। तो ये परिणाम होंगे कितने, कितने होंगे, कैसे काउंट करेंगे, या तो सारे के सारे लिखना, ठीक है, और या फिर ये क्या है, पांच पांच का फर्क है, तो ये क्या है, एपी है, आगे बात समझ में, जिसको आसान तरीके से करना है वो इसके 18 के 18 लिख देना, कि पांच से भाग होने वाले कौन कौन सी संख्याएं हैं, उनको गिन लेना, गिन लोगे कितनी आ जाएंगी, 18 आ जाएंगी। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, 18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितना हो जाएगा, 18 बटे में कितना, 90, कितना, 18 एकम 18, 18 पंजे 90, तो क्या आ जाएगी, 1/5 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एपी ज़्यादा इंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको क्या देखना है कि पाँच से भाग होने वाली हैं कितनी, तो आप 90 तक संख्याएँ ढूंढ लेना, तो आप लिख देना 18 की 18, ठीक है। एपी लगाने की कोशिश करोगे पजल हो जाओगे, क्या निकालना है, एन निकालना है, ए निकालना है, डी निकालना है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, आ गया समझ में, इससे भी उतने ही नंबर मिलेंगे, और एपी लगा दोगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे, तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर सीधी की सीधी संख्याएँ लिख दी जाएँ, ठीक है। कुल संख्याएँ चाहिए हमें, तो कुल संख्याएँ कितनी है, 18 है, आ गया समझ में ये, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, यानी कि पासे पर वैसे तो क्या होता है, संख्याएं होती हैं, या फिर क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, लेकिन इस बच्चे के पास ऐसा पासा है कि जिसके ऊपर ये अक्षर अंकित हैं, कौन कौन से, एक फलक पर तो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एक बार फिर ए है, यानी कि ए कितने फलकों पर है, दो फलकों पर है। तो जब पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं, छः होते हैं, वो आपको दे रखे हैं, कुल परिणाम कितने हैं, तो आप यहीं से लिखोगे कि पहले यहाँ पर लिखोगे कुल परिणाम, ठीक है, ये है, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी है, छः। अब देखते हैं मांगा क्या है, इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, तो माना घटना क्या करना है, हाँ, पासे पर अक्षर ए आने की घटना, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कौन है, ए है, अनुकूल परिणाम कौन है, ए। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, दो। कितनी है, दो, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई, ई की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वही दो बटे में कितना, छः, कितना आ जाएगा, एक बटा तीन। सेकेंड पार्ट क्या है, क्या चाहिए, डी चाहिए, तो लिख लोगे आगे, माना घटना एफ, क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कौन है, डी। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, एक, तो प्रायिकता कितनी आएगी, एक बटे में कितना, छः, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में क्या। बीसवां, वैसे तो क्या इसके ऊपर स्टार लगा रखा है कि पेपर की दृष्टि से नहीं है, ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं कि ऐसे सवालों में भी आंसर कैसे निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए आप एक पासे की आकृति 15.6 में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में, देखो आपके पास क्या है, मान लो टेबल है, ठीक है, तो टेबल का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और टेबल किसे आकार की है, आयताकार आकार की, तो आयताकार में क्या चाहिए आपको, लंबाई और चौड़ाई चाहिए, यही चाहिए ना, तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 3 मीटर और 2 मीटर, तो आप एक पासे को उछालते हो तो वो इस टेबल के ऊपर गिरना चाहिए, तो टेबल के ऊपर कहाँ गिर सकता है, इस पूरे क्षेत्रफल में कहीं पे भी गिर सकता है, तो यानी कि कुल परिणाम में तो क्या आएगा, पूरे का पूरा क्षेत्रफल आएगा, पूरे का पूरा क्या आएगा, तो जब कुल परिणाम निकालने की कोशिश करूँगा तो नीचे जो आएगा ना वो क्या आएगा, इस पूरी टेबल का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, लेकिन आपके ऊपर कंडीशन क्या लगा दी कि इस सर्कल के अंदर गिरना चाहिए, तो हमारा अनुकूल परिणाम तो कौन है, ये सर्कल है, तो अनुकूल परिणाम में क्या आएगा, इस सर्कल का क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, तो देखो इस सर्कल में भी कुछ दे रखा होगा, एक मीटर व्यास दे रखा है, यानी कि व्यास कितना दे रखा है, एक मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यानी कि एक बटे में कितना, दो, यही हो जाएगी। तो क्या पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, तो अनुकूल परिणाम क्या है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल है, कुल परिणाम क्या है, हाँ कुल परिणाम क्या है, आयत का क्षेत्रफल, और आपको पासा गिराना कहाँ है, अब पासे का और कोई रूल नहीं है कि पासे में कितने फलक होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, पासा सिर्फ गिरेगा कहाँ, तो गिरने के उसके पास दो चांस है, या तो इस सर्कल के अंदर गिर जाएगा या फिर सर्कल से बाहर गिर जाएगा, ठीक है, तो कुल टोटल तो क्या आई है अपने पास, क्या है, आयताकार आकृति दे रखी है, तो ये तो कुल परिणाम तो क्या रहेगा, आयत का क्षेत्रफल, और आपके अनुकूल तो जो उसने मांगा है वही, तो अनुकूल परिणाम क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको घटना मान लोगे आप कि पासा कहां गिरा है, वृत्त के अंदर गिरा है, तो उस घटना का नाम क्या दे दोगे, ई दे दोगे, तो क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना में क्या होता है, चौड़ाई, पाई को अगर पाई रहने देते हैं एक बार, आर कितना निकाला है हमने, एक बटा दो, गुना में कितना, एक बटा दो, बटे में कितना, लंबाई गुना में कितना, चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, 3, गुना में कितना, 2, ये 2 से ये 2 नहीं कटेगा, ठीक है, ये ऊपर वाला बटा है तो ये नीचे आएगा तो इसके गुना में आएगा, अगर ये अकेला ही 2 होता फिर ये कट जाता, ठीक है, तो क्या आएगा, ये ऊपर तो क्या रहेगा, पाई बटे में, नीचे क्या आएगा, 3 गुना में 2 6, 6 गुना में 2 12, 12 गुना में 2 कितना, 24, ये आपकी प्रायिकता आ जाएगी। आया समझ में क्या, ये क्या होता है, ये बटे में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये है, ऐसा है ना, तो क्या करना है, 1/2 को भाग करना है, इस बटे का मतलब क्या होता है, भाग करना है, किससे, 3 गुना में किससे, 2 से, तो 1/2 भाग को जब क्या करते हैं, गुना बनाते हैं, तो आगे वाली रकम क्या होती है, पलट जाती है, तो कितना, 1/2 में कितना, 3 गुना में कितना, 2, तो ये कहाँ आया, बटे में ही आया, आ गया समझ में क्या, तो इसका आंसर क्या रहेगा, प्रायिकता ये आएगी, कितनी आएगी, पाई बटे में कितना, 24, और पाई का मान अगर 22/7 लेना है तो फिर 22/7, तो बटे में 7 और आ जाएगा, फिर ऊपर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, तो आंसर देख लेना कि कितना दे रखा है,
ये दे रखा है तो फिर यही रहेगा। ठीक है, आगे समझने क्या? तो देखो इस सवाल में कहीं पे भी अनुकूल परिणाम कुल परिणाम वैसे कुछ भी नहीं दे रखा था, लेकिन फिर भी इसकी प्रायिकता निकाली जा सकती है। तो प्रायिकता अकेला ये नहीं है कि सिर्फ पासे में आएगी, सिक्के में आएगी, प्रायिकताएं बहुत सारी चीजों में आती हैं। 21वां क्या है? 144 बॉल पेन के समूह में 20 पेन खराब है, शेष अच्छे हैं, तो कुल पेन कितने हैं? तो कुल पेन कितने हैं? 144। खराब कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। तो अच्छे कितने हैं? 122। तो इसमें से घटा देंगे कितना आ जाएगा? 124। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कुल परिणाम कितने हैं? बस यहीं पे गलत कर देते हो। तो कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम तो टोटल कितने हैं? 144 ही है ना, तो 124 नहीं आएगा, क्या आएगा? कुल परिणाम कितने आएंगे? 144। इसमें से मांगा क्या गया है कि आप कौन सा पेन खरीदते हो, अच्छा या खराब? तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप नहीं खरीदना चाहेंगे। दुकानदार तो आपके सामने रख देगा पेन कि ये रहे उठा लो। ठीक है, तो इन पेनों में से एक पेन आपको निकाल के देता है, ठीक है, तो आप वह पेन खरीदेंगे, इसकी प्रायिकता निकालनी है। क्या है? आप वह पेन खरीदेंगे, तो पेन कब खरीदोगे? तो क्या पेन खरीदा जाएगा कब? यदि वह यदि पेन क्या होगा, अच्छा या सही है, क्या है? अच्छा ही है क्या? अच्छा हो, ठीक है। पहले ही उसको समझाना है कि हम पेन कब खरीदेंगे, जब वह पेन क्या होगा, अच्छा होगा। तो अब लेते हैं माना घटना ई, माना घटना ई क्या? दुकानदार के द्वारा दिया गया पेन, दुकानदार के द्वारा दिया गया पेन कैसा होने की, अच्छा होने की घटना। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या है आपका? अच्छा पेन। अनुकूल परिणाम क्या है? अच्छा पेन। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? कितनी है? 124। ठीक है, तो क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। ऊपर कितना आएगा? 124। नीचे कितना आएगा? 144। ठीक है, कितने से काटोगे? 4 से तो काट ही लो, 4 तीय 12, 4 एकम 4, नीचे कितना? 4 तीय 12, कितने 2 रह गए? 4 छके 24। ठीक है, ऊपर 31 है, 31 किसी से कटता नहीं है, अभाज्य संख्या है, तो आंसर क्या रहेगा फिर? 31 बटे में कितना रहेगा? 36। आ गया समझ में क्या? ये सेकंड पार्ट क्या है? वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो कैसे कर लेना चाहिए हमें? फार्मूले के हिसाब से कर लेना चाहिए कि जब अच्छा पेन होता है तब तो खरीदा जाता है, तो पेन कब नहीं खरीदा जाएगा? जब वह पेन क्या हो? अच्छा नहीं हो। ठीक है, तो अच्छा नहीं, या तो वैसे कर लेना या फिर नया नाम देके माना घटना एफ, निकाला गया पेन अच्छा नहीं है, खराब है, तो खराब पेन के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 20। कुल परिणाम कितने हैं? 144। तो 20 बटे में 144, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे करना है तो सेकंड पार्ट में आप फार्मूला लगा देना, क्या कि ये तो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो क्या था? खरीदने का था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट क्या रहेगा? पेन नहीं खरीदा जाएगा, तो या उसको समझा देना कि ई नोट क्या है? पेन हाँ नहीं खरीदने की घटना है। ठीक है, या पेन अच्छा नहीं होने की घटना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इज इक्वल टू कितना? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट अगर आपको निकालना है
तो कितना आएगा, वन माइनस कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो एक माइनस में कितना 31 बटे में कितना 36, ठीक है। लघुत्तम लोगे कितना आएगा 36, 36 से कम, माइनस में कितना 31, कितना बचा 5 बटे में कितना 36, और सीधा भी निकाला होता तो क्या होता 20 बटे में कितना होता 144, ठीक है। तो 4 के पाड़े से काटते हो, 4 5 20 और वही 36, तो 5/36, तो किसी भी तरीके से कर लेना। आ गया समझ में क्या? बाईसवां पासा मैंने आपको करवाया है पहले, ठीक है। तो पासा क्या, दो पासों को उछाला जाता है, जब दो पासों को उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने बने थे? अरे इसके थप्पड़ लगा दिया करो, 12 वाला कौन सा है, 12 तो कहीं पे बोला ही नहीं, कौन था? कुल परिणाम क्या आते हैं जब दो पासों को उछाला जाता है, तो कुल परिणाम क्या बनते हैं, 6 × 6 बनते हैं, कितने बनते हैं 36 बनते हैं, ठीक है। तो पासों के साथ हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे कि पासों पर क्या आ सकता है, दोनों समान संख्याएं आनी चाहिए, दोनों समान संख्याएं ना आनी चाहिए, या फिर दोनों पासों पर आई गई संख्याओं का जोड़ क्या क्या हो सकता था। तो जोड़ कम से कम कितना होता है 2, जोड़ कम से कम कितना होता है और ज्यादा से ज्यादा कितना होता है 12। तो दो पासों को उछालने पर, पासों पर आई हुई संख्याओं का योग, जब दो पासों को उछालते हैं तो दोनों पासों पर जो संख्याएं आती हैं उन संख्याओं का योग, तो योग क्या होता है उसकी हम इसने टेबल बना रखी है। यहां पे लिखा है योग, तो योग कितना हो सकता है, कम से कम, कम से कम जोड़ कितना आएगा, फिर कितना आएगा, अच्छा चलो जोड़ कम से कम कितना आता है 2 आता है, तो जोड़ 2 आने के परिणाम होते कितने हैं, 1 ही परिणाम होता है। तो उसकी अगर प्रायिकता निकालनी हो, 1 और बटे में कुल परिणाम कितने हैं 36, तो क्या आएगी 1/ कितना आएगा 36, ठीक है। उसके बाद में कहता है योग कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, तो योग 3 आने के परिणाम कौन से है, या तो 1 2 आ जाए या 2 1 आ जाए, कितने परिणाम हुए, 2 परिणाम है, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 2/ कितना 36, ठीक है। अब इसके आगे आप अगर रट्टा भी लगाओगे तो भी आपको पता है 1 आया है 2 आया है, अब कितना आएगा 3 आएगा, फिर कितना 4 5, लेकिन कहां तक आएगा वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वरना आप कर सकते हो कि जोड़ 4, तो जोड़ 4 में मैंने कहा था कि परिणाम कैसे फाइंड आउट करने हैं, तो सबसे पहले जोड़ा किसके साथ बनेगा, 1 के साथ बनेगा, तो 1 के साथ 3, इसको बस 1 इतना ही होना, उल्टा मत करो इसको, सिर्फ आप ये लेके चलो कि 1 के साथ कौन आ सकता है, 1 तो ये हो गया, फिर उसका नंबर पड़ेगा 2 का, 2 के साथ कौन आ सकता है, 1 ये हो गया, फिर 3 के साथ कौन आ सकता है, 1, फिर आगे 4 के साथ कोई आ नहीं सकता, क्यों, जोड़ क्या चाहिए, 4 ही चाहिए ना, तो आपके कितने हुए, 3 ही परिणाम हुए, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/ कितना हो जाएगा 36। जोड़ क्या लेके आना है, 5 लेके आना है, तो पहले वही शुरुआत वहीं से करनी है, 1 4, अरे 4 1 का पलटा मत करो, अगर आप सीधा चलो 1 4, फिर 2 3, फिर 3 2, फिर 4 1, फिर 5 के साथ तो आएगा नहीं, तो कितने परिणाम हुए 4/ कितना 36। ऐसे ही 6 के बनाओगे कितने होंगे, 7 के बनाओगे, शुरुआत कहां से करेंगे, 1
जोड़ क्या चाहिए? सात। तो एक के साथ कौन आएगा? ठीक है, दो के साथ कौन आएगा? पांच। तीन के साथ कौन आएगा? चार के साथ कौन आएगा? पांच के साथ कौन आएगा? और छह के साथ कौन आएगा? इसके आगे तो नहीं जाएगा, तो कितने हुए? छह हुए। कितने हुए? ठीक है, अब इसके बाद में ये घटने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? आखिर में पता है कि आखिर में जोड़ कितना होना है? बारह। तो बारह होने का परिणाम तो क्या है? एक ही है। कौन सा? छः छः। तो वो क्या आएगा? एक बटे में कितना आएगा? छत्तीस। ठीक है, तो उसके बाद में फिर आठ हो सकता है जोड़ कितना? नौ हो सकता है जोड़ कितना? हो सकता है दस। जोड़ कितना हो सकता है? ग्यारह। आगे समझ में गई ये? तो अब इसमें से कम होते जाएंगे, ठीक है। तो 11, 11 के परिणाम कौन कौन से होते हैं? 11 जोड़ कब आता है? एक के साथ आएगा कभी? क्या एक के साथ नहीं आएगा? दो के साथ आएगा क्या? तीन के साथ कोई आएगा क्या? चार के साथ? पांच के साथ? तो पांच के साथ क्या आ सकता है? छह आ सकता है। और फिर छह के साथ क्या आ सकता है? तो कितने हुए? दो ही केस हुए। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? दो बटे में कितना हो जाएगा? छत्तीस। आगे समझ में ये? इसी का सेकंड पार्ट क्या है फिर? थोड़ा सा ना, थोड़ा सा ऊपर लेवल है अभी ये। क्या कहता है? कि जब पासे को उछाला तो परिणाम कितने आए? कैसे? क्या परिणाम 11 ही आए थे क्या? क्या परिणाम 11 आए थे क्या? परिणाम तो क्या आए थे? जब दो पासों को उछाला गया तो कितने आए थे? 36 आए। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि योग, तो योग आने के परिणाम तो क्या थे? 11 थे। जोड़ क्या है? 12 तक आना चाहिए। तो परिणाम कितने बनते हैं? 11 बनते हैं। तो ये कहता है कि प्रत्येक की प्रायिकता फिर 1/11 होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास कुल परिणाम कितने हैं? 11 है। कुल परिणाम कितने हैं? 11। तो जोड़ दो आने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए? 1/11। जोड़ तीन आने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए? 1/11। जोड़ चार आने की प्रायिकता भी क्या होनी चाहिए? 1/11। क्या ऐसा होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्या माइनस? देखो इसमें आपको योग क्या था? 2, 3, 4, 5 इस तरीके से दे रखे थे। जोड़ दो आने की प्रायिकता आपको यह देखना है कि ये जो योग आया है, ठीक है, क्या ये सभी परिणाम संप्रायिक हैं? वो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं कि ये क्या ये सभी परिणाम संप्रायिक हैं? जोड़ दो आना या जोड़ पांच आना क्या बराबर है? कुल परिणाम तो कितने थे? 36 थे। कुल परिणाम कितने थे? 36। क्या योग दो आने को और योग पांच आने को बराबर हिस्से मिले हैं? बराबर हिस्से तो नहीं मिले ना। जोड़ दो आने को तो क्या मिला है? सिर्फ एक ही परिणाम मिला है, जबकि जोड़ पांच आने को कितने परिणाम मिले थे? चार मिले थे। तो दोनों परिणाम क्या हुए? संप्रायिक तो नहीं हुए। अगर संप्रायिक नहीं है तो फिर इनको कुल परिणाम नहीं माना जा सकता। अगर ये कुल परिणाम है भी तो सभी की प्रायिकता 1/11 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सभी परिणाम संप्रायिक नहीं। तो ये सवाल क्या क्या पूछता है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, बच्चा ही क्वेश्चन करता है कि जी यहां पर कुल परिणाम कितने हैं? 11 है, ठीक है, तो प्रत्येक की प्रायिकता क्या होनी चाहिए? 1/11। जबकि हमने प्रायिकता क्या निकाली है? 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, ठीक है। तो वो सही है या गलत है? गलत है। गलत है तो बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा उसे। क्या कारण बताओगे? कि बच्चा कह रहा है कि जी प्रोबेबिलिटी सभी की क्या आनी चाहिए? 1/11 आनी चाहिए। तो आपने मना कर दिया कि नहीं, प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं आएगी सबकी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि योग दो, योग ये जितने भी दे रखे हैं, योग दो से लेकर 12 तक आने के परिणाम संप्रायिक नहीं है, इसलिए नहीं आएगी। आगे समझ में क्या? जैसे पासे को, एक पासे को अगर फेंका जाता है तो उस पर क्या आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है। तो एक आने की प्रायिकता भी 1/6 होती है, दो आने की प्रायिकता भी 1/6 होती है, तीन आने की प्रायिकता भी क्या होती है? 1/6। तो वो सभी के सभी परिणाम क्या होते हैं? संप्रायिक होते हैं। तो वहां पर वो कह सकता है कि जी कुल परिणाम कितने थे? 6 थे।
तो सभी की प्रायिकता क्या आएगी, 1/6 आएगी। वहां पे तो ठीक था ये, लेकिन यहां पर परिणाम कितने आ रहे हैं, 11 परिणाम आ रहे हैं। वो कहते हैं सभी की प्रायिकता 1/11 होनी चाहिए, उसके हिसाब से तो 1/11 होना चाहिए ना, लेकिन हम मना करेंगे उसे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सभी परिणाम संप्रायिक नहीं। तो इसका आपको रीजन यही देना है कि ये सभी परिणाम संप्रायिक नहीं। तो पहले इसने पूछा है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, तो आप कहोगे नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है। उसके बाद में क्या है कि सकारण यानी कारण सहित उत्तर देना है, तो क्या कहेंगे, क्योंकि ये सभी परिणाम संप्रायिक नहीं। बस यही लाइनें लिखनी है, तो रह जाएगा याद क्या। यस सर।